पिछले वीडियो में वी वर टॉकिंग अबाउट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो एक्सटर्नली की जाती है यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ से नहीं प्रॉबेबली बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेश आइडियाज़ की ज़रूरत है कुछ नए एंथजियाटिक टैलेंटेड लोगों की जरूरत है इसीलिए वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं यानी बाहर से कैंडिडेट्स को अप्लाई uh, करने का मौका देते हैं इसकी पहली वीडियो में हमने पहले चार सोर्सेज कर लिए थे Uh, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए फिर इस पर आइए और आज की वीडियो में करेंगे द रिमेनिंग वन सो दैट वी क्लोज दिस टॉपिक वेलकम आप लोग देख रहे हो इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेज दिस इज बिजनेस स्टडी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड ट्वेल्थ एंड राइट नाउ वी आर डूइंग स्टाफिंग का चैप्टर और टॉपिक चल रहा है सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ठीक है तो पिछले वाली वीडियो में हमने कैजुअल कॉलर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये सारे कर लिए थे इंप्लॉयमेंट uh, एक्सचेंज कर लिया था आज हम करेंगे अगले ओके सो फिफ्थ वन इज प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट अब मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह सकती हूं कि जब मिडिल ऑर्डर और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जैसे तुम्हें याद होगा पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होती है खासकर जब मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए हायरिंग करनी होती है तो कहां जाए सड़क पे जाके बैठे और बोले जी आप आके अप्लाई कर दो नहीं एक कुछ एजेंसीज होती हैं जिनका काम ही है ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस लोगों को अच्छे खासे प्रोफेशनल लोगों को हायर करके देना एंड दीज ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज प्लेसमेंट और एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज ठीक है इनका काम क्या है ये बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनका बायोडेटा कंपाइल करेंगे सब इकट्ठा कर लेंगे फिर उनमें से छांट-छांट के जो रेलेवेंट सुटेबल कैंडिडेट है वो अपने क्लाइंट्स को वो सजेस्ट करते रहेंगे उनका काम क्या है बायोडाटास ढूंढना कंपाइल करना उन्हें छांटना, एंड देन टू सजेस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स टू देयर क्लाइंट्स ऑबियसली क्या वो ये फ्री के लिए करते हैं बिल्कुल नहीं दे चार्ज अ फी फ्रॉम द्लाइंट्स और ये जनरली वो स्किल्ड जनता के लिए प्रोफेशनल जनता के लिए करते हैं ओके सो दैट इज वाई इफ यू सी ये कहाँ यूज होता है टेक्निकल प्रोफेशनल लेटरल हायरिंग में लेटरल मतलब एक्सपीरियंस हायरिंग में कौन सी लेवल्स के लिए मिडल एंड टॉप लेवल जनरली क्या करते हैं बायोडाटा कंपाइल करते हैं सुटेबल कैंडिडेट्स सजेस्ट करते हैं एंड दे चार्ज अ फी फॉर इट हम इन माई एक्सपीरियंस एज एन एच आर वी हैव एक्सटेंसिवली यूज प्लेसमेंट एजेंसीज मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स फॉर मोस्ट ऑफ आर हायरिंग बिकॉज लेटरल ही होती थी एक्सपीरियंस ही चाहिए होते थे बंदे तो यही यूज़ करते थे ये कन्वीनियंट था आसान था और एक लेवल की स्क्रीनिंग वो लोग कर चुके होते थे तो बेटर कैंडिडेट्स मिलने के बहुत चांसेस होते थे ओके आर वी क्लियर ग्रेट आपको खासकर याद रखना है कि कौन सा रिक्रूटमेंट लेवल कौन से टाइप के एम्प्लॉय के लिए यूज होगा क्योंकि केस स्टडीज और वन मार्कर्स में ये चीज़ बहुत पूछी जाती है तो तुमसे पूछा जाएगा कि प्लेसमेंट एजेंसीज लोअर लेवल के लिए अनस्किल्ड के लिए टॉप के लिए मिडिल के लिए तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि कौन सा सोर्स कहाँ के लिए यूज होता है और सेकेंड वन कैंपस रिक्रूटमेंट यू मस्ट बी नोइंग दिस कैंपस रिक्रूटमेंट आजकल बहुत ज़्यादा आजकल क्या पिछले 10-15 सालों में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होने वाला रिक्रूटमेंट का तरीका है क्या करते हैं uh, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने ना एक क्लोज लाइजन लाइजन मतलब रिलेशन बना के रखा होता है अच्छी खासी बड़ी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ खासकर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के साथ तो डेफिनेटली कर रखा होता है अच्छे बच्चे चाहिए होते हैं फ्रेशर्स क्विक एंथिजियाटिक तो क्या करते हैं इन कॉलेजेस में जाते हैं वहीं इंटरव्यू वहीं ग्रुप डिस्कशन करते हैं और वहीं से अच्छे बच्चे पिकअप करके ले आते हैं सो इट्स वेरी इजी राइट रिक्रूटमेंट तो आपके लिए बहुत बढ़िया है एक ही बार में आपको तीन हजार दो हजार कैंडिडेट्स मिल जाएंगे कितना अच्छा काम नहीं है आप चार दिन लगाओ दो कैंडिडेट्स देखो उनमें से अगर आप सौ भी मिल जाते हैं आपको योर वर्क इज डन तो रिक्रूटमेंट का बहुत अच्छा तरीका है इस कैंपस रिक्रूटमेंट कैंपस रिक्रूटमेंट इज जनरली डन फॉर फ्रेशर्स बट कौन से वाले uh,

तो मैं क्या करूंगी मैं अपनी सिस्टर का सीवी अपने एचआर को या जिन्होंने वो जॉब फॉरवर्ड की है उनको रेकमेंड करके भेज दूंगी मैं कहूंगी देखो uh, मेरी दिस uh, जॉब के लिए मेरी सिस्टर लुक्स लाइक अ बेस्ट फिट ये रहा उसका सीवी अब आगे का प्रोसेस तुम खुद बढ़ा लो वॉट दे विल डू इज नेक्स्ट दे विल पिक अप दैट सी वी इंटरव्यू द पर्सन कंसर्न प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे इंटरव्यू करेंगे अगर उनको ये बंदी जम गई सो दे विल टेक इट अप यानी रिक्रूटमेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो आपके अपने इम्प्लॉयिज़ हैं वो ही अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स या प्रोफेशनल कोलिग्स का नाम सजेस्ट कर दें उनके सीवी फॉरवर्ड कर दें सो इस दैट्स अनदर गुड वे ऑफ डूइंग रिक्रूटमेंट और इसमें कंपनी को क्या फ़ायदा है भाई बैकग्राउंड चेक ज़्यादा नहीं करना अगर मैंने सजेस्ट किया है तो कुछ ना कुछ वेटेज तो होगा मैं एवं आलतू फालतू के बंदे का नाम तो नहीं सजेस्ट करूंगी जो मेरा कल को नाम फंसा के भाग जाए तो वेरिफिकेशन करनी थोड़ी सी आसान हो जाती है दैट्स अनदर वे रिक्रूटमेंट जो ये है रिकमेंडेशन ऑफ ये किसी भी लेवल के लिए हो सकती है बट मेजरली इट इज डन फॉर लोअर एंड मिडिल लेवल बिकॉज वहां पे इट कैन वर्क फेंटास्टिकली वेल ओके नेक्स्ट वन लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमारे घर कौन बनाते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो हम क्या करते हैं हम एक कॉन्ट्रैक्टर जी को पकड़ते हैं सारा लेबर उनके कॉन्ट्रैक्ट में है कॉन्ट्रैक्टर जी लेबर को बोलते हैं यहां पहुंच जाना लेबर जी वहां पहुंच जाते हैं तो यही है लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेबर कॉन्ट्रैक्टर कुड बी फॉर बिल्डिंग अ हाउस कुड बी फॉर मेकिंग फर्नीचर किसी भी चीज़ में लेबर कॉन्ट्रैक्टर वो बंदा है जिसका लेबरर्स के साथ लाइसनिंग है रिलेशन है एट एनी पॉइंट इन टाइम जब आपको अनस्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है सी गाइज आई हैव टू से समथिंग ओवर हियर किताबों में अनस्किल्ड का मतलब होता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं जो वाइट कॉलर जॉब नहीं करते इसे हम ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं वो स्किल्ड होते हैं वैसे कारपेंटर स्किल्ड है मेसन भी स्किल्ड है लेकिन टेक्निकैलिटी में इसको अनस्किल्ड बोला जाता है तो अनस्किल्ड वर्कर्स को मिनटों सेकंडों में आप तक पहुंचा देते हैं आपने फर्नीचर का काम करना है फर्नीचर के कॉन्ट्रैक्टर लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोलो वो पहुंचा देगा आपने घर बनवाना है लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोलो वो पहुंचा देगा फायदा बहुत है क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे काम होता है और आपने एक बंदे से डील करना है नुकसान क्या है अगर उससे आपकी अनबन हुई अगर वो गया तो उसके सारे वर्कर्स भी जाएंगे सो इफ यू आर गेटिंग समथिंग डन एंड यू डोंट काइंड ऑफ गेट अलांग विद लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो वो वर्कर भी साथ में लेकर जाएगा तो ये थोड़ा प्रॉब्लम उसका हो सकता है क्लियर है समझ में आ गया ओके okay. नेक्स्ट इज वेब पब्लिशिंग वेरी कॉमनली यूज टूल नावर्डेज नौकरी डॉट कॉम मॉन्स्टर डॉट कॉम आई एन जॉब्स डॉट कॉम लिंकडन ये सब क्या है ये वो पोर्टल्स हैं जहाँ जॉब इम्प्लॉयर्स अपनी जॉब पोस्ट करते हैं और जॉब सीकर्स डायरेक्टली जाके अप्लाई कर लेते हैं तो एक और आसान तरीका एम्प्लॉयर्स के लिए कि पोर्टल पर डाल दो एप्लीकेशन आती रहेंगी एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू डू रिक्रूटमेंट फायदा क्विक ईजी कॉस्ट इफेक्टिव ह्यूज पूल ऑफ कैंडिडेट्स क्रिएट होता है नुकसान बहुत सारे लोग फालतू फालतू के भी आ, अप्लाई कर देते हैं विच में नॉट बी सूटेबल फॉर योर जॉब फाइनली एडवर्टीजमेंट ऑफ टी वी एडवर्टीजमेंट ऑफ टी वी बहुत कम होती है रिक्रूटमेंट के लिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव इसीलिए शायद तुमने एडवर्टीजमेंट ऑन टी वी के नाम पर नेवी आर्मी इनकी एडवर्टीजमेंट देखी होगी नॉट ऑफ योर जनरल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एंड टीवी विल रीच रूरल ऑडियंस ऑल्सो अर्बन ऑल्सो एवरीवेयर विच मे नॉट बी योर टार्गेट ऑडियंस तो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती इसीलिए तुम देखोगे कि हर कोई कंपनी टी वी पर ऐड नहीं देती बट आर्मी नेवी वॉन्ट पीपल फ्राम एवरीवेयर एंड पेट्रियाटिज्मू कम इन तो वो टी वी पर ऐड जरूर कर लेते हैं ओके okay? आर वी क्लियर तो ये सारे दस सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के दिस इज अ केस स्टडी प्रोन एरिया मतलब इन पे तगड़ी केस स्टडीज बनती हैं एंड यू कुड ऑल्सो हैव वन मार्कर्स फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स प्लीज ध्यान रखिएगा इसको अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सिलेक्शन क्या है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है सो स्टे टिलन बाय बाय टेक केयर